आइए प्रिय छात्रों, आपका हमारे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेम एनवायरनमेंट का जो पेपर है उसका सिलेबस है। तो आपका 5वें लेसन से आपका शुरुआत होता है और 5 से लेकर के 8वें लेसन तक आपके सिलेबस में है, सॉरी 9 तक आपके सिलेबस में है। तो 4 लेसन आपके सिलेबस में है। तो ये आपका पहला लेसन है, यानी कि बुक का आपका 5वां लेसन, तो जल प्रदूषण क्या है और इसके कारण परिणाम प्रभाव को डीपली से पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और हम बात कर लेते हैं कि जल प्रदूषण, आप देखते हैं कि हमारी जो धरती पर जल तो बहुत है, लेकिन जो पीने के लिए जो जल है वो बहुत ही कम है, यानी कि स्वच्छ जल बहुत ही कम है। आजकल आप देखते हैं कि नहरों के अंदर लोग क्या है, कपड़े वगैरह धोते हैं, गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं, तो वो एक कपड़े धोने के लिए कितने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या जल का प्रदूषण कर देते हैं। वो क्या साबुन का पानी से क्या है, जो जल की जो मात्रा है उसके क्या है जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। और उसमें विभिन्न प्रकार के जो है बैक्टीरिया है, जो कपड़ों का मैल वगैरह वो मिलकर कितना प्रदूषित होता है। और वही नहर का पानी अगर किसी गांव के अंदर जाता है, वाटर वर्क्स में जाता है, तो वो उसको स्वच्छ तो कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो रासायनिक केमिकल जो घुल गए हैं पानी के अंदर वो स्वच्छ नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या जल प्रदूषित हो जाता है। और उस प्रकार का जल अगर कोई पीता है तो लोग क्या है उसे बीमार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं आजकल नहरों के अंदर लोग धार्मिकता के कारण विभिन्न प्रकार के प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह है, घर का अगरबत्तियों का जो सामान है वो क्या नहरों में अंदर डाल देते हैं, कपड़े वगैरह है, मूर्तियाँ वगैरह हैं। तो इस प्रकार जो है स्वच्छ जल है, यानी कि जो स्रोत हमारी नहरें हैं या नदियाँ हैं उसके अंदर आजकल क्या कर रहे हैं लोग पानी वगैरह में डाल देते हैं। तो इस प्रकार जो है जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ नहरों वगैरह में उसमें डालते रहते हैं, जिसके कारण क्या नहरों का पानी प्रदूषित हो जाता है। और आज हम देखते हैं जो गंगा नदी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हमारी जो गंगा नदी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है, जिसके कारण क्या है लोगों को जो गंगा, जिसको हम कहते हैं कि पाप धोलने वाली गंगा, आज वो मैली हो गई है स्वयं ही, जो दूसरों के पाप धोती है। लेकिन आज यमुना नदी है उसको अगर आप पानी को देखेंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि यह नदी है या कोई गंदा नाला है। तो इस प्रकार आज की जो वर्तमान में भारत की जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, नहरों का पानी भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। आज लोगों के पास जो स्वच्छ जल के जो स्रोत वो बहुत ही कम बचे हुए हैं, और गंभीर पानी की समस्या से देश की जनसंख्या जूझ रही है, स्वच्छ जल की समस्या से। और आगे हम देख लेते हैं कि जल जीवन का आधार है, और जल जीवन का आधार है, और पृथ्वी का लगभग 75% भाग पर जल हुआ फैला हुआ है, और लेकिन इसमें केवल 97.5% पानी खारा है, और 2.5% जो शुद्ध जल है, और 70% जो बर्फ के रूप में है। और हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो स्थलीय भाग है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध है वो जलीय भाग है, क्योंकि वहाँ जल ज़्यादा है, महासागर पार्ट है। और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है वो क्या है, वहाँ बर्फ जल है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और केवल 1% बाकी मनुष्य के लिए प्रयोग के लिए उपलब्ध है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये आ सकता है, 2 नंबर में आप पूछ लिया जा सकता है कि WHO वहाँ लिखे आएगा सीधा, आपको बताना होगा कि यह क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी मसले हैं वो इसके पास आते हैं, और देख रहे कोई महामारी फैलती है उसकी के लिए सहायता करना विभिन्न देशों की। तो वर्तमान में देख रहे कोरोना महामारी फैली थी उसमें तो WHO बहुत अहम भूमिका है रही है। इस प्रकार जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी गतिविधियाँ हैं उनका देख रेख करना विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य है। और इसके अनुसार इनका अनुमान है कि 22 लाख लोग प्रतिवर्ष के अविकसित और विकासशील देशों में पानी की कमी या प्रदूषित पानी पीने से क्या मर जाते हैं। और वहीं अगर हम परिभाषा इसके दे रखी है जल प्रदूषण के, जल के रासायनिक, भौतिक, जैविक में अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य अन्य अन्य जीवधारियों पर दुष्प्रभाव डाल सके उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार ये परिभाषा, रासायनिक प्रदूषण इस प्रकार होता है कि जल के अंदर क्या है विभिन्न प्रकार के जो सोडियम है, विभिन्न प्रकार के जो अन्य रासायनिक पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो रासायनिक प्रदूषण। भौतिक जिस प्रकार जल का तापमान बढ़ जाता है, और जैविक प्रदूषण जिस प्रकार जल के अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव है नदियों के अंदर मर के वो सड़ने लग जाते हैं, तो वो इस प्रकार जैविक प्रदूषण होता है जल का। और हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य जो बात करके उसको देख लेते हैं
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित पदार्थों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रकृति, हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जानवर है वो नदियों के अंदर क्या है, तेज बहाव के अंदर आकर फंस जाते हैं और उनकी तेज बहाव के कारण नदी के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो वो भी क्या है, जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। और जंगलों के अंदर पेड़ पौधे पत्ते हैं, फल फूल वगैरह, वो भी नदियों के अंदर पड़ जाते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा जल को गंदा कर देते हैं। वह जहरीला और ऑक्सीजन सामान्य स्तर से कम होने के कारण जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं और संक्रामक रोग फैलाते हैं। और हम देखते हैं कई पेड़ पौधे जहरीले होते हैं, तो उन वो भी अगर पानी में मिल जाते हैं तो जिस जहाँ तक उसका जहर का प्रभाव रहता है उसके अंदर उस नदी या उस जल स्रोत या तालाब के अंदर जो जल है वो जहरीला हो जाता है और उसके कारण उसके अंदर रहने वाले जानवरों की क्या मृत्यु हो जाती है। कई बार जो गांवों के अंदर तालाब बने हुए उसके अंदर भी इस प्रकार की गतिविधि हमें देखने को मिलती है, मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं जोड़ या तालाब जो बने होते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, और आगे का जो पार्ट दिखा रखा है कि जो जल प्रदूषण के स्वरूप, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्वायरमेंट का पेपर देने जा रहे हो तो आप इसके अंदर इस प्रकार के डायग्राम का बना करके और चित्र बना करके आप अपने उत्तर को एक्सप्लेन करें, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। देखिएगा एक सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने मतलब सीधा लिखने में लग जाते हैं, लेकिन लिखना नहीं, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, चित्र के साथ है, डायग्राम बनाना है, हेडिंग के साथ है, तो आपको एकदम देखते ही चेक करने वाले को लगे कि हाँ भाई बच्चे वाकई में पता है। तो इस प्रकार आप जो इस प्रकार चित्र हैं वो बना करके आप वहाँ अपने उत्तर को एक्सप्लेन करें। पानी के रंग, गंध, स्वाद, गाढ़ेपन और ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन भौतिक प्रदूषण कहलाता है। हम देखते हैं कि पानी का रंग है जिस प्रकार पीला, हरा, इस प्रकार अलग अलग रंग का धुंधला हो जाता है, काले रंग का हो जाता है जल का गंध, उसके अंदर सड़न आने लगती है, वो सड़न आने लगता है पानी, उसका स्वाद भी अलग हो जाता है, गाढ़ापन यानी कि जल के अंदर अगर मिट्टी घुल जाती है तो जल क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ऊष्मीय गुण यानी कि उसके तापमान बढ़ जाता है। तो भूजल प्रदूषण, इस प्रकार हम देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। हम देखते हैं भूजल का बहाव यानी कि भूमि के अंदर जल क्या है वो गति करता रहता है, वो भी एक जल प्रदूषण का कारण है, क्योंकि भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अन्य पदार्थ हैं, मिट्टी है, वो भी क्या उसके साथ घुल जाती है अगर भूमि का जल एक दिशा से दूसरी दिशा में बहता है। तो ताप बिजली संयंत्र जो हम देखते हैं कि जहाँ आगे हैं पानी को, ठंडे पानी का यूज़ करके जो है भाप बना करके बिजली उत्पन्न की जाती है, तो वो ताप बिजली संयंत्र वो क्या करते हैं, पानी के टेम्परेचर, पानी को क्या उबालते हैं और उबले हुए पानी से जो भाप बनती है उस भाप का यूज़ करके वो है जनरेटर जो होते हैं डायनमो उनको घुमाते हैं और उसमें इस पर भाप ऊर्जा का प्रयोग करके वो बिजली पैदा करते हैं। तो ये जो संयंत्र है वो क्या करते हैं, उस गर्म पानी को क्या सीधा नदी के अंदर छोड़ देते हैं और आप देखते हैं कि जो इस प्रकार गर्म जल के अंदर कोई भी जीव जंतु है वो जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार जो ताप जो पानी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या है वो जल प्रदूषित हो जाता है। भूजल का भाव देख ले दिया, भूजल प्रदूषण, और हम देखते हैं मलबा अन्य कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ। हम देखते हैं कि आजकल जो जो शहर के जो शिविर वगैरह है वो क्या सीधे नदियों से कनेक्टेड है, यानी कि मल वगैरह है जो शिविर गटर का जो पानी वो सीधा नदियों में जाता है, तो वो ये कारण है। तेल रिसाव, हम देखते हैं कि पिछले ही घटना हुई थी, एक छोटा सा देश पड़ता है अफ्रीका, अटलांटिक महासागर के तट के साथ लगता हुआ, उस देश का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हुआ था कि जो तेल ले जाती हुई एक बहुत बड़ा जो समुद्री जहाज़ था वो बीच में से टूट गया था, जिसके कारण बहुत मात्रा में क्या तेल जो तेल है वो क्या समुद्र में फैल गया, खिंड गया, पानी के अंदर मिल गया और बहुत सारे जो जलीय जीव मर गए। तो इस प्रकार घटना इस प्रकार समुद्र में होती रहती है और तेल रिसाव, और हम देखते हैं कि जो तेल की जो पाइपलाइन है वो भूमि से केंद्र से गई हुई है, वो कहीं से अगर लीक हो जाती है तो वो तेल है सीधा क्या है भूमिगत जल या फिर किसी तालाब या नदी तालाब में मिल जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो अपना जो है कचरा वगैरह है जो गंदा पानी वो क्या सीधा नदियों नहरों में डाल रहा है। और आगे हम देख लेते हैं कि रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा ये दो नंबर में पूछा जा सकता है कि रासायनिक जल प्रदूषण क्या होता है। ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की मौजूदगी से होता है, जैसे उर्वरक है, कीटनाशक है, अमलसार है इत्यादि। हम देखते हैं कि आजकल जो किसान क्या ज़्यादा यूरिया वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा स्प्रे वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने खेत में उसका छिड़काव करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बरसात होती है तो वो जल क्या है बह करके जिस खेत में ज़्यादा उर्वरक या स्प्रे वगैरह की गई है वो जल बह करके क्या है नालों के माध्यम से होते हुए अन्य स्रोतों में पहुँच जाता है, यानी कि जो हमारा स्वच्छ जल का स्रोत है उसके अंदर वो जल
जल मिल जाता है, तो इस प्रकार का और रासायनिक प्रदूषण होता है। जैविक प्रदूषण क्या है, हम देखते हैं कि जल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति जैसे कि वायरस है, विषाणु है, परजीवी है, कृमि इत्यादि जल को जैविक तौर से प्रदूषित करती है और मानवीय जल मल व जैविक अवसाद इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य है वो मल वगैरह है, या हम देखते हैं कि सीवर का जो पानी है वो सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु वो मिल जाते हैं, या फिर जो मरे हुए जानवरों के अवशेष कई नदियों में आ देते हैं, उसके कारण भी क्या जल प्रदूषित होता है, तो जल प्रदूषित होता रहता है। और जल प्रदूषण के स्रोत हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार, जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्रोत है मल व अन्य अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ, वही बात होगी मल व जानवरों और मनुष्य का मल मूत्र, भूचड़ खानों का अकार्बनिक कचरा और खाद्य सामग्री डिटर्जेंट इत्यादि शामिल होते हैं, डिटर्जेंट इत्यादि शामिल होते हैं। मनुष्य के ठोस मल में उपस्थित व्यापक कार्बनिक पदार्थ जीवाणु के विकास के लिए उत्तम पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मल अगर पानी के प्रभाव में बिना किसी स्रोत के और लोगों के इस्तेमाल में आ जाता है तो वह बहुत भारी बीमारियों के कारण बनता है। भारत में सारी बीमारियों का जो 66% और सभी मौतों का जो 33% कारण है जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हैजा है, पीलिया है, टाइफाइड है इत्यादि जो बीमारियाँ हो जाती हैं। हम देखते हैं कि लोग वगैरह है, लोग क्या बाहर स्रोत के लिए खुले में जाते हैं और वो नदियों में वगैरह हाथ धो लेते हैं, तो उससे क्या है वो जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार और बहुत से कारण हैं जिससे जल प्रदूषित होता है। और पानी की स्वच्छता का जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि BODO द्वारा मापा जाता है। BODO यानी कि पानी की स्वच्छता को किस प्रकार मापा जाता है, ये पूछा जा सकता है दो नंबर में, BODO क्या है। तो BODO की मात्रा कम है तो पानी कम प्रदूषित है, अगर BODO की मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा प्रदूषित है, और जिसमें अपघटक पानी में व्यापक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रही है। तो आगे हम देख लेते हैं जो परिभाषा, जैविक परिभाषा जो आपकी दी गई है वो हम देख लेते हैं। एक बार मैं साइज थोड़ा सही कर लेते हैं उसका, आगे हम देख लेते हैं जो परिभाषा दी गई है। जैविक ऑक्सीजन की मांग या ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो अपघटकों को 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के 20% तापमान पर 5 दिन में अपघटन के लिए चाहिए। जैविक मांग वही होगी। और मलीय पानी के प्रभाव क्या है, पानी का रंग बदल जाता है, हम देखते हैं पानी बदबूदार व गंदला हो जाता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन DO की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां फैलती है, तो ये मलीय पानी के जो प्रभाव है। भूजल का जो बहाव है वो एक कारण है, तो भूजल का बहाव देखते हैं किस प्रकार कारण बनता है। यह पानी भूतल से बहकर विभिन्न प्रकार के जल संकायों में पहुंच जाता है और इस पानी के साथ खेतों में प्रयुक्त उर्वरक कीटनाशक और खरपतवार नाशक इत्यादि बह के जल के संकायों में पहुंच जाते हैं, और इससे जल संकायों में खनिज पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिससे यह जल संकाय यानी कि सुपोषण से पीड़ित हो जाते हैं। सुपोषण क्या है देख लेते हैं। घरेलू कचरे और वह मल व खनिज पदार्थों के पानी में मिलने से पानी में खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है, और खास तौर पर नाइट्रेट और फास्फोरस की और ये पादपों की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। इस तरह जल संकायों की उत्पादकता बढ़ जाती है और वो यूट्रोफिकेट या सुपोषण की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तय सुपोषण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जल संकायों की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि सुपोषण क्या है, खनिज पदार्थ ज़्यादा मिल जाना वो सुपोषण कहलाता है, जल सुपोषण कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं कि जल उत्पादकों की बेतहाशा वृद्धि पानी की सतह को ढक लेती है और इसे ब्लूम कहते हैं, और जैसे कि शैवाल मुख्य पादप है। हम देखते हैं कि जो ज़्यादा जलीय पादप काई वगैरह जल के अंदर आ जाती है, जोड़ के अंदर देखेंगे वो दाढ़ सी वगैरह की आकृति जो बन जाती है उसको आप देखेंगे, तो वो चीज़ें क्या है भी
जल को प्रदूषित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल में काई आ जाती है तो वो जल क्या है, प्रदूषित हो जाता है। शैवाल पानी के नीचे की तह में जाने वाली सूर्य किरणों को है रोकता, अवरुद्ध करता है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग इस्तेमाल कर लेता है और इससे जलीय संकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या जल जल में रहने वाले जीवधारियों की मौत हो जाती है। डल झील श्रीनगर, तो इस प्रकार अब देखते हैं कि बहुत सारे जोड़ तालाब है उसके अंदर काई आई हुई है, तो उसके अंदर क्या मछलियाँ नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि वो काई है क्या है ऑक्सीजन, यानी कि जो सूर्य किरणों को जाने नहीं देगी और जो काई के अंदर जो शैवाल होते हैं वो क्या है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे, तो जलीय जीवों को मछलियों का रहना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि आपको ज़्यादातर जो तालाब काई वगैरह होगी वहाँ इतने जलीय जीव उसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे। रासायनिक जीवनाशक कीटनाशक खरपतवार, हम देखते हैं कि आज ज़्यादा जो लोग है यूरिया वगैरह DMP वगैरह अन्य सल्फर वगैरह डालते हैं, जिसके कारण क्या जल प्रदूषित हो रहा है धीरे धीरे। और आगे हम देख लेते हैं जो अगला हमारा पार्ट है, जीवनाशकों के जो वर्ग क्या है, क्लोरीनाइट हाइड्रोकार्बन है, कार्बन जीवनाशक है और अकार्बनिक जीवनाशक है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन समूह में DDT और एल्ड्रीन डाइएल्डीन इत्यादि है। अब DDT का प्रयोग बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है, रासायनिक बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है। DDT जो एक जहरीला पदार्थ है जो इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। और कार्बनिक जीवनाशक क्या है, इस वर्ग में मेथिल मलाथियोन और TEPP ये इत्यादि आते हैं, ये बहुत ही जहरीले रसायन है और लेकिन क्लोराइड हाइड्रोकार्बन से बेहतर है क्योंकि ये विघटित हो जाते हैं, यानी कि ये क्या है तो जल के अंदर मिल जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ इन रसायनों में आर्सेनिक और गंधक प्राय मिलते हैं। प्रभाव क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार, जैसे कि जैव प्रभाव तो हम देख लेते हैं कि जैव नाशक प्राय वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए यह जीवधारियों के शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। दो नंबर में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जैव आवर्धन क्या, सीधा पेपर में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जैव आवर्धन। और यह खाद्य पर श्रृंखला के पोषक स्तरों पर क्रमशः जहरीले पदार्थों की वृद्धि आवर्धन है। उदाहरणतः DDT खेतों में पानी के बहाव के साथ जल संकाय में पहुंच जाता है और वहां से पोषक स्तर से दूसरे तीसरे और तथा अंतिम पोषक स्तर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार हम पोषक स्तर ये दिखा रखा है आपको, देखें सबसे पहले हम देखेंगे ये पोषक स्तर है। सबसे पहले हम आपको पता ही होगा कि जो क्या पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं और उनको क्या मनुष्य पेड़ पौधे जो उगते हैं, जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं तो इनको क्या है छोटे मोटे ये जो समुद्री घास है इनको मछलियाँ वगैरह खा लेती है, उन खा लेती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा लेती है और बड़ी मछलियों को क्या है मनुष्य खाता है। तो इस प्रकार अगर पहले स्तर में ही हम देखते हैं कि पहले स्तर में ही अगर हमें जिस प्रकार मछली के अंदर घास के द्वारा जो जहरीले पदार्थ आ गए इस मछली में आ गए, इसने इसको खाया, मनुष्य ने इस मछली को खाया, तो जो प्रदूषण है यानी कि जो जहरीले पदार्थ है वो मछली के माध्यम से मनुष्य शरीर में पहुँच जाते हैं और मनुष्य क्या बीमार हो जाता है। आज हम देखते हैं कि जो दूसरे देश चीन वगैरह के जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के क्या है जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं और जिसके कारण ये कोरोना महामारी फैल गई, तो इस प्रकार भविष्य में और भी बीमारियां फैल सकती है अगर इस प्रकार जीव जंतुओं को खाया जा रहा है या फिर जो हमारे जो सिस्टम जो पर्यावरण का बहुत खराब हो रहा है जिसके कारण क्या हमें और भी बीमारियों का कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो ये इससे आवश्यक है कि हमें जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। तो आगे हम देख लेते हैं जैव बहुत जहरीले और पर्यावरण में बड़ी देर तक बने रहते हैं और प्राय घुलनशील होते हैं, और आप देख लेना। और आगे हम देख लेते हैं कार्बनिक पादपों का प्रभाव, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने वाले पर रासायनिक पौधों में मुरझाना, पत्तियां गिरना पादपों पर ये प्रभाव पड़ते हैं और जैव में धारियों जैसे माइक्रोराइज नष्ट होकर देते हैं। ताप संयंत्र से आप देखते हैं कि जो ताप संयंत्र किस प्रकार जल प्रदूषित करेंगे, हम देखते हैं कि जो ताप संयंत्र है वो क्या गर्म जल निकालते हैं और वो सीधा नदियों नहरों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो नदियों के अंदर पहले तो ठंडा जल होता है लेकिन गर्म पानी एकदम मिलने से जो जितने जलीय जीव है टेम्परेचर बढ़ने के कारण के वो मर जाते हैं। और वनस्पति भी क्या है गर्म पानी अगर आप देखिएगा किसी पेड़ पौधे छोटे में डाल दीजिए गर्म पानी तो वो क्या है पेड़ भी क्या है वो नष्ट हो सकता है, वो अड़सा जाएगा उसी टाइम, ठीक है। तो इस पर गर्म पानी औद्योगिक अवशिष्ट हमने लिख लिया था कि उद्योगों से अनेक प्रकार के जो अवशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं तो वो क्या है जल को प्रदूषित कर देते हैं। आज बहुत ज़्यादा मात्रा में गंगा नदी यमुना नदी के किनारे जो इंडस्ट्रीज लगी हुई वो सीधा पानी जो अपना है अवशिष्ट कचरा वगैरह वो नदियों में डालता जा रहे हैं।
तो ये जिस इस कारण औद्योगिक अपशिष्ट से क्या क्या निकलता है हम देख लेते हैं एक बार। इसी तरह से कोबाल्ट है, जिंक है, तांबा है, क्रोमियम है, सीसा है, कैडियम है, पारा है, ये क्या सारे धातु है, धातु पदार्थ है जो क्या जल के अंदर औद्योगिक उद्योग से निकलते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट है, औद्योगिक कचरा है, ये सारा क्या जल के अंदर मिल जाता है और जल को क्या प्रदूषित कर देता है। आगे हम देख लेते हैं जो पारा है वो ये बहुत ही जहरीला और स्थिर है पदार्थ है जिसका सूत्र CH3 और HG, और ये बहुत पानी में बदल कर पानी में घुल जाता है और खाद्य श्रृंखला की दिशा में बन जाता है स्रोत है। जिस प्रकार दहन है कोयले के दहन से, बैटरी रंग रोगन औद्योगिक धातुओं के शुद्धिकरण से प्रभाव इस प्रकार अधिकारक है आपको। केडीएम अलग अलग जो धातु है, शीशा है, जैव ईंधन का दहन है, धातुओं के शुद्धिकरण में बैटरी, जीवनाशक उद्योग, भूकंप करता है, दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, IQ कम करता है, क्रोमिया, तांबा, जस्ता, ये सारे सब क्या प्रभाव डालते हैं। तेल रिसाव के कारण आप देखते हैं कि जो तेल अगर हम जल में डाल देते हैं तो उसके अंदर जितने भी छोटे मोटे जो जीव है वो क्या मर जाते हैं, क्योंकि जल क्या है, जल के ऊपर तेल क्या तैरता रहता है और वो ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देता ना सूर्य के प्रकाश को। तो इसी प्रकार